praise be to God who gave triumphal victory through Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जय देने वाले परमेश्वर के नाम का महिमा होने पाए. Welcome to another day of miracle. अद्भुत दिन के अगले दिन में आपका फिर स्वागत करते हैं. This is our miracle day. आज हमारा अद्भुत का दिन है. Let us pray together. हम साथ में प्रार्थना करेंगे. Father, we thank you for the sponsor of this program. ये प्रोग्राम जिस परिवार ने स्पॉन्सर किया उनके लिए प्रार्थना करते हैं. We pray that God may miraculously meet every needs of these children. प्रभु ये बच्चों के सामने जो को प्रभु जी जरूरत है यीशु के नाम से हर एक विषय में अद्भुत होने पाए. We pray that many of your children watching this program and receiving the blessing, Lord, remember this dear family. प्रभु जब कई लोग ये प्रोग्राम देखकर छुटकारा पाएंगे ये परिवार को याद कीजिए. And bless them abundantly. उनको बहुतायत से आशीष दीजिए. In Jesus name. यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen. Amen. Let us come to the message now. हम साथ में मैसेज में आ जाइए. And I'm sure that God is going to bless each and every one of you. मुझे निश्चय है परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा. And as we're going to pray at the end, let us expect great things from Jesus. ये मैसेज के बाद जब हम साथ में प्रार्थना करेंगे और बहुत ही बड़े काम परमेश्वर से आप प्रतीक्षा कीजिए. Let's come to the message. मैसेज में साथ में आ जाइए. Blessed be the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु का नाम हमारे जीवन में महिमा पाने पाए. Let's start another miracle day. आज हम हमारा जीवन में अगला अद्भुत का दिन आरंभ करें. Every day with Jesus is a miracle day. यीशु के साथ हर एक दिन हमारे जीवन में अद्भुत का दिन है. God wants us to live a higher life. परमेश्वर हमारे से इस प्रकार चाहता है हमारे जीवन में हर समय हम ऊपर आशीषों में जाएं. And God doesn't want any one of us to be limited by anything in this world. हमारे जीवन में कोई भी प्रतिबंध आकर हम हमारे जीवन में समस्या अनुभव करें वो परमेश्वर नहीं चाहता है. God wants everyone to be enlarged our territory. परमेश्वर इस प्रकार चाहता है कि हमारे जो कुछ भी बाउंड्री से वो विस्तार में जाए. Why? Because we are limited in so many area. Why? Because we are comfortable with what we have. हमारे जीवन में जब आरामदायक रीति से जीवन बिताते हैं हम वहाँ पे रहने के लिए खुशी है और आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर इच्छा नहीं रहता है. Sometimes we are comfortable in our body. Sometimes we are comfortable in our place where we are staying. हमारे शरीर में जहां हम रहते हैं वहां आरामदायक जीवन हम चाहते हैं. We are comfortable and satisfied with our spiritual life. हमारे जो कुछ भी आत्मिक अवस्था है उसमें हम आरामदायक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं. Most of the time we think, why should I take all these challenges in my life? I want to be comfortable with what I have. कई बार हम इस प्रकार सोचते हैं मेरे जीवन में इतना सारा जो प्रॉब्लम्स आता है वो क्यों मैं मेरे जीवन में झेलूं, मैं एक आरामदायक जीवन बिताना चाहता हूं. But it is God's will that we all must enlarge our territories, enlarge our vision, enlarge our dreams in our life. लेकिन परमेश्वर की इच्छा इस प्रकार है हमारे जीवन में हर समय हम विस्तृत हो जाए, हमारे जो कुछ भी जीवन में आशीष है उसमें बढ़ोतरी हो जाए. Let us turn our attention to the book of Luke chapter 22 and verse number 39. हम सब अभी वचन में आ जाए. लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 40 वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं. Jesus asking his disciples to go with him for prayer. यीशु अपने चेलों को उनके साथ प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए बुलाता है. As we know, prayer is the most important thing in our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में प्रार्थना को बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. Prayer is the most important thing in our day-to-day life. हमारे हर एक दिन के जीवन में प्रार्थना को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है. We see through prayer we are changing, we are shaping our families and our society, even our nation. प्रार्थना के द्वारा परिवारों में, देश में, हर जगह में हम बदलाव देखते हैं. It's the most powerful weapon in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में प्रार्थना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पाता है. That is why Jesus is we see in the old covenant and new covenant people are praying and God is answering for the prayer. वही हम नए नियम में और पुराने नियम में हर जगह देखते हैं जब लोग परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना में जाते हैं उनके जीवन में वो चमत्कार के काम देखते हैं. Let's have a look in what happened in the old covenant when people were praying. पुराने नियम में जब लोग प्रार्थना
प्रार्थना करते थे वहाँ क्या अनुभव उनको वह हम देखते हैं In the old covenant, God asked the people to humble yourself and call upon me so that I will answer you. I will heal your land and I will answer all your needs. पुराने नियम में इस प्रकार हम पढ़ते हैं अगर आप अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के चरणों में दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो आपके देश में परमेश्वर चंगाई देगा So people had to take initiative and go they had to pray in order to receive the blessings लोगों को परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना के लिए समय बिताना पड़ता था तो ही उनके जीवन में आशीष उतर आता था Anybody want to get an answer from God he himself has to take the initiative and he has to sit in the presence of God अगर किसी व्यक्ति को परमेश्वर के चरणों में आशीष पाना है तो वो व्यक्ति परमेश्वर के चरणों में जाकर प्रार्थना में समय बिताना है This was happening in the old covenant ये हम पुराने नियम में देखते हैं But in the new covenant is far better than in the old covenant लेकिन नया नियम पुराना नियम से बेहतर है You know, in the new covenant, Jesus himself is coming and leading his disciples to prayer. लेकिन नए नियम में इस प्रकार हम देखते हैं यीशु अपने आप प्रार्थना में जाता है लेकिन चेलों को अपने साथ ले जाता है Why? क्यों? Because God wants us to live a perfect life. परमेश्वर की इच्छा यह है आपके जीवन में आप एक अच्छा रीति से जीवन बिताइए. Oh, through Jesus Christ, we are seeing instructions and guidance and leading. यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में जिस प्रकार हम जाना है हम मार्गदर्शन देखते हैं. So Jesus leading them into prayer. परमेश्वर यीशु उनको प्रार्थना में अगुवाई करता है. You see, in Matthew chapter 17, again we see Jesus took three of his disciples, Peter, John, and James, into prayer. मत्ताई का सुसमाचार उसका 17 अध्याय में इस प्रकार देखते हैं यीशु पत्रस याकूब और योहन्ना ये तीन चेलों को प्रार्थना में अपने साथ पर्वत पर ले जाता है Sometimes they are so tired. कई समय देखते हैं चेले अपने जीवन में बहुत उदास और बहुत ही टायर्ड है But Jesus showed an example how important prayer in our life. लेकिन परमेश्वर इस प्रकार कहता है प्रार्थना को हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है disciples and even though they were tired and but Jesus said come on let's go and pray chele jeevan mein bahut thake hue anubhav mein hai lekin yeshu unse kehta hai mere sath prarthna mein aa jaiye Jesus was showing the importance of prayer so Jesus was showing what prayer can do in our day to day life yeshu unko batata hai prarthna ke dwara aapke jeevan mein kya kya adbhut kaam ho jata hai prarthna ke dwara kis prakar apne jeevan mein aap jay pa So in the old covenant we saw people himself taking initiative and praying but in the new covenant we see Jesus coming and taking his disciples into prayer purane niyam mein log parmeshwar ke chalon mein prarthna mein jate hain lekin naye niyam mein is prakar dekhte hain yeshu apne chelon ko apne sath prarthna mein le jata hai continuous instruction of Jesus and the holy spirit in our day to day life hum nirantar apne jeevan mein har ek din mein parmeshwar ke atma ki agwai ko pate hain because god wants everyone to lead a wonderful life a perfect life so that we will not be failure in any area parmeshwar is prakar chahta hai aap agar parmeshwar ke agwai mein aage badhe to aapke jeevan mein koi bhi reeti se aap haar nahi jayenge oh in here luke 22 we see a powerful prayer session yahan pe luka ke susamachar 22 adhyay mein ek prarthana ka bahut hi mahatvapurna baat dekhte hain before jesus confronting the cross he was kneeling down and praying to the father for hours krush par marne ke pehle yeshu वहां पे बहुत ही घंटे परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना में बिताता है इट वॉज लाइक अ रेसलिंग प्रेयर वहां पे यीशु एक युद्ध के समान प्रार्थना करता है वो थके हुए अनुभव में नहीं प्रार्थना करता Jesus said, Father, it's not my will, let thy will be done in my life. यीशु इस प्रकार प्रार्थना करता है पिता मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए So what happened here? यहाँ पे क्या देखते हैं As Jesus was praying in Gethsemane, ये गेथसेमना यहाँ पे जब यीशु प्रार्थना करता है Of course, his disciples also were with him. यहाँ पे यीशु के साथ ये बाग में उसके चेले भी थे But the Bible says, लेकिन बाइबल में इस प्रकार पढ़ते हैं Jesus went little farther. यीशु थोड़ा आगे बढ़कर गया and started to pray. वहां बैठकर यीशु प्रार्थना करता है In fact, he was crying and asking to the Father for help. यीशु वहां पे बहुत ही मन में भार के साथ रोकर परमेश्वर के चरणों में यीशु प्रार्थना करता But what happened to his disciples? लेकिन उसके चेले क्या करते हैं His disciples were sleeping.
sleeping. उसके चेले वहाँ पे सो रहे हैं. Because they were so tired. वो बहुत ही थके हुए अवस्था में. Jesus came to the disciples and Jesus touched them and said, "Come on, get up and pray." यीशु अपने चेले के पास आकर उनको उठाकर बोलता है, आप उठकर प्रार्थना कीजिए. You know why Jesus compelling his disciples to pray? क्यों यीशु उनको बोलता है आप प्रार्थना कीजिए, क्यों बोलता है? Because he knew the importance. He knew the challenges which he is going to confront. उनके जीवन में जो परीक्षा उनके सामने आने वाले हैं उसको देखकर परमेश्वर कहते हैं आप उठकर प्रार्थना कीजिए. That is why Jesus said to his disciples, "Come on, get up and pray." इसलिए यीशु आकर अपने चेलों से बताता है आप उठकर प्रार्थना कीजिए. So that you will not fall into temptation. ऐसा अगर आप करेंगे तो आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे. And the disciples they couldn't realize what the meaning what Jesus was talking about. लेकिन यीशु क्या कह रहा है उसको समझ नहीं पा रहे थे. चेले को जीवन समझ में नहीं आया. But Jesus said. लेकिन यीशु कहता है. The flesh is weak, but the spirit is willing. आपका शरीर थका हुआ है, लेकिन आपके आत्मा में आपको बहुत ही आप सामर्थ है. Jesus was teaching them two, three important things into the life of disciples. चेलों के जीवन में दो तीन बातें यीशु उनको सिखाता है. Jesus said, first of all, you have to discipline your body. पहले आप अपने शरीर को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आप डिसिप्लिन करना है. Don't be comfortable with you, what you have. आपके पास जो कुछ भी है उसमें आप आरामदायक नहीं बैठना है. Change your daily routine and get into the supernatural. आपके हर एक दिन में जो कुछ भी आप काम करते हैं उसमें आप फर्क लाकर परमेश्वर के अमानुषिक वो मंडल में आप प्रवेश कर दीजिए. All those watching now. अभी जो कोई मुझे देख रहे हैं. All those listening now. जो कोई वचन सुन रहे हैं. If we are comfortable with what we have. आपके पास जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है उसमें आप आरामदायक बैठे हैं तो. If we don't want to take challenges, if we don't want to break our flesh and go into the next level. जीवन में चुनौती को आप सामना करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने शरीर में आप एक जय अगर नहीं लेना चाहते हो. God cannot show anything in our life. परमेश्वर कई नई बातें आपके जीवन में नहीं दिखा सकता. Because our flesh is always limiting us to go with God, go with Jesus. हमारा शरीर हर समय परमेश्वर के सानिध्य में परमेश्वर के चरणों में ऊंचाई में जाने के लिए प्रतिबंधित रहता है. That is why we need to be discipline our flesh so that we can pray. Sometimes our flesh is hindering us not to go with God. हमारे शरीर में हम इसको डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो परमेश्वर के चरणों में जिस प्रकार जिस ऊंचाई में जाना चाहते नहीं जा सकते हैं. Sometimes we have to wrestle. कई समय में हमें आत्मा में युद्ध करना है. Forgetting all our pains and agony, let us go forward. Let's move forward where God wants us to be. जो कुछ भी थकावट, जो कुछ भी दर्द, जो कुछ भी तकलीफें हैं उसको भूलकर परमेश्वर के चरणों में आप आगे बढ़ने जाइए. That is why Jesus said the spirit is willing but the flesh is weak. इसीलिए यीशु इस प्रकार कहता है आपका शरीर बहुत ही थका हुआ है लेकिन आपके आत्मा में वो तैयारी है. That is what we see here. Our flesh is limiting us. The flesh is limiting us to not to hear from God, not to receive the strength of God. So what happened as a result, they were falling in temptation. हमारा शरीर जब थकावट होता है वो परमेश्वर के शब्द को सुनने में हमें रोक देता है, उस समय हम परीक्षा में पड़ जाते हैं. That doesn't mean that we should not take rest. उसका अर्थ हम हमारे जीवन में रेस्ट नहीं लेना नहीं है. We need to know the important things are important. हमारे जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उस समय हम महत्वपूर्ण रीति से बात करना है. And that God wants us to prioritize in every area. हमारे जीवन में जो कुछ बातों को हमें मुख्य स्थान देना है उसके लिए देना बहुत ही आवश्यक. And Jesus said, "Discipline your flesh." यीशु कहता है अपने शरीर में आप उसके ऊपर अब जय लेना है. Come out of your comfort zone. आपके जो कुछ भी आरामदायक अवस्था है उससे बाहर आ जाइए. मेरे शब्द को आप सुनिए. Get advice and strength from my Father. मेरे पिता के साथ पिता के सामने आप शब्द सुने उसके अगुवाई में चलिए. So that you will receive the spiritual strength and you will be victorious in this world. आपको जब आत्मिक सामर्थ्य मिल जाएगा आप इस दुनिया में जयवंत हो जाएंगे. Again the disciples falling into sleep. वहाँ पे फिर चेले लोग थकावट से वो सोने लगे. There is a time God is giving to our life. लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में हमें एक समय देता है. Every day is important. हमारे जीवन में हर दिन वो महत्वपूर्ण है. And every hour is important. हमारे जीवन में हर एक घंटा महत्वपूर्ण है. Whenever we live in the spirit. जब हम आत्मा में जीवन बिताते हैं. Whenever we pray. जब प्रार्थना करते हैं. We are living a supernatural life. अमानुषिक जीवन बिताते हैं. Oh, of course we can redeem our time.
time, whatever we lost and whatever we don't get it in the past days, we can redeem all the time and things which we lost in life. हमारे जीवन में जितने दिन जितने सालों ने हमारे कितने वर्ष हमारे जीवन में नष्ट हो गए वो सब यीशु मसीह में आने के बाद परमेश्वर में वापस दे देगा. So Jesus said. यीशु ने कहा. Listen from the Father. पिता से सुनिए. Get strength from the Father. पिता से सुनिए. So discipline your body so that you can go with Jesus. आप अपने शरीर में डिसिप्लिन लीजिए उस प्रकार आप यीशु के साथ आगे जा सकते हैं. And the second thing Jesus is saying here. दूसरी बात यीशु इस प्रकार कहता है. Discipline your spirit so that you can hear the voice of God. अपने आत्मा में आप सामर्थ्य पा लीजिए उस प्रकार परमेश्वर के शब्द को आप सुन ले सकते हैं. Jesus is saying here. यहाँ पे तीसरी बात यीशु इस प्रकार कह रहा है. Discipline your vision. आपके विजन को आपके सामने जो दर्शन है उसका डिसिप्लिन कीजिए. We need to know where we are going. हम कहाँ जा रहे हैं हमें मालूम है. All those who accepted Jesus Christ the Lord and Savior. जिन लोगों ने यीशु को अपने जीवन में रक्षक और उद्धार पाया है. God has a different plan and purpose in our lives. परमेश्वर का उनके जीवन में परमेश्वर का योजना और व्यत्यस्त है. We need to know where we are going. हम कहाँ जा रहे हैं हमें मालूम है. We are not going to live an ordinary life. हम साधारण जीवन बिताने नहीं जा रहे हैं. We are going to walk with Jesus every day on this earth. हम यीशु के साथ इस दुनिया में जीवन जीवन बिताने वाले हैं. And each and every nook and corner we go. जहाँ कहीं इस दुनिया में हम जाएं. Jesus is with us. यीशु हमारे साथ है. So we are going to experience miracles, signs and wonders in our day-to-day life. जहाँ कहीं हम जाएंगे वहाँ हर जगह परमेश्वर की ओर से अद्भुत काम चमत्कार काम परमेश्वर के बहुत ही बड़े बड़े काम देखने वाले हैं. There will be challenges and problems around us. हमारे चारों ओर बहुत चुनौतियाँ हमारे सामने आ जाएगा. But we know where we are going. लेकिन हमारे सामने हमारे लक्ष्य किधर जा रहे हैं हमें मालूम है. And Jesus knew where he was going. यीशु को मालूम था वो कहाँ जा रहा है. He was not asking the Father to take away the cross, but he was asking to the Father to give the strength to face the cross. क्रूस की मृत्यु दूर हो जाए करके यीशु ने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन उसको किस प्रकार फेस करना है, उसका किस प्रकार अनुभव करना है, उसके लिए ताकत पूछता है. And Jesus was telling them. यीशु उनसे कहता है. Every pain is a new birth. आपके जीवन में जो कुछ भी दर्द है, उसके अंदर से परमेश्वर एक नया जन्म वापस लाता है. Every agony, every challenge that we face today is a new beginning. हमारे जीवन में जो कुछ भी परेशानी है, जो कुछ भी दर्द है, उसके अंदर से एक नया जन्म बाहर आता है. So don't look at the problem, but see the result what we are going to see. आपके सामने जो प्रश्न है उसको मत देखिए, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर जो आपके आपसे जन्म देने वाला है, आपसे जो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है उसको देखिए. And that is what Jesus is talking about. इसलिए यीशु वही कह रहा है. Jesus is teaching a wonderful lesson to his disciples. यीशु अपने चेलों को एक अच्छा लेसन पढ़ाता है. And today Jesus is talking to each and every one of us. यीशु आज हम हर एक से बात कर रहा है. When we break our flesh and come out of the comfort zone. जब हमारे शरीर में जो हमारे जो फ्लैश को हम तोड़कर आरामदायक जीवन से जब बाहर आ जाते हैं. We become strong in the spirit. हमारे जीवन में हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ताकतवंद हो जाएंगे. Because every spiritual blessing is living in it's in the spirit world. हमारे जीवन में जो कुछ भी आत्मिक आशीष उतर आता है वो हमारे आत्मा में उतर आता है. And many times people say, brother, I am not able to travel like that. कई लोग मुझसे इस प्रकार कहते हैं, प्रभु के दास, आप जिस प्रकार ट्रैवल करते हो, जिस प्रकार यात्रा करते हो, मैं नहीं कर पाता हूँ. I cannot go such and such places. हाँ, मैं कई जगह मैं नहीं जा सकता हूँ. Many times we don't want to leave even our home. हमारे घर से भी दूर रहना हम नहीं चाहते हैं. Because we are comfortable with what we have. जिस घर में रहते हैं वहाँ पे आप आरामदायक है. We want to be 24 hours. We want to spend our time there. एक दिन में जब 24 घंटा है, हर घंटा आप घर में बैठना चाहते हो. Sometimes we want to stay only in our city or our village. आप जिस शहर में रहते हो, जिस घर में रहते हो, वहाँ पे रहने में आप बहुत खुशी है. And we don't want to talk to anybody. और किसी से ज़्यादा बात करना आपको अच्छा नहीं लगता है. Jesus say. लेकिन यीशु क्या कहता है? Break that comfortable zone. आप जिस आरामदायक अवस्था में बैठे हैं उसको तोड़ दीजिए. Come out of the comfortable zone. उससे आप बाहर आ जाइए. Anything is giving you happy and joy today. जिस अवस्था में आप खुश रहते हैं उस अवस्था से. Live with that. उसको छोड़कर. Sacrifice that. उसको आप बलिदान कर. Go to the next level. आप अगले लेवल में जाइए.
pray for the greater things. उससे भी बहुत ऊंचाई में जाने के लिए प्रार्थना कीजिए. Every time the Holy Spirit is asking and instructing us to go with Jesus. हर समय परमेश्वर का आत्मा आपसे इस प्रकार बोलता है, आप प्रार्थना की अगुवाई में अगले लेवल में जाइए. I was thinking why Jesus went little further and prayed. मैं इस प्रकार सोचता था क्यों यीशु थोड़ा आगे जाके प्रार्थना करता है. Jesus was showing an example. You need to come to my level. Not I am that coming to your level, but you need to come to my spiritual level. यीशु इस प्रकार कहता है, आपका जो लेवल है उसमें मैं नहीं उतर आऊंगा, लेकिन आप लोग मेरे लेवल में चढ़कर आ जाइए. Amen. Hallelujah. We need to know word of God is a measuring rod. हम एक बात मालूम करना है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए measuring rod है. Oh, which means there is a measurement. It will calculate, evaluate our life. हमारे जीवन में जिस प्रकार जीना है हम उसका जब तुलन करते हैं वो परमेश्वर के वचन से करते हैं. Amen. Hallelujah. So God wants us to live a higher life. परमेश्वर हमसे चाहता है हम एक ऊंचाई का जीवन बिताना है. Not to be limited by anything in this world. हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें हमारे विश्वास जीवन में प्रतिबंधित ना होने पाए. Not our flesh, not our relatives, not our friends, not our immediate families, whatever comfort that we are enjoying today. हमारे जीवन में हमारे रिश्तेदार, हमारा जो शरीर ने तो हमारा जो कुछ भी चीजें हमारे जीवन में हमें प्रतिबंधित करता है. And don't be satisfied with all those things. वहाँ पे कुछ हम आरामदायक जीवन खुशी से नहीं बैठना है. Walk with Jesus. लेकिन यीशु के साथ चलिए. Walk with Jesus. यीशु के साथ चलिए. Wherever the Holy Spirit is leading us, go to those places. परमेश्वर का आत्मा जहाँ कहीं जाने के लिए आपको अगुवाई करता है वहाँ पे आप आगे बढ़ जाइए. God wants us to be stretched in everywhere. परमेश्वर इस प्रकार कहता है आपके हर एक अवस्था में आप विस्तार में जाइए. And so that we'll be a blessing to so many people. हम बहुत लोगों के लिए हम आशीषित हो जाएंगे. We will lead a wonderful supernatural life on this earth. ये भूमि में, इस पृथ्वी में परमेश्वर की ओर से एक अमानुषिक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर आपको कृपा देगा. Oh, walking with Jesus is a supernatural life. यीशु के साथ जब आप चलेंगे वह अमानुषिक जीवन है. Jesus showed that to the disciples. यीशु ने वो अपने चेलों को दिखाया. Today as you listen. आज जब वचन सुन रहे हो. God wants to enlarge your territory, your places, and God wants to take you to higher levels. आप जिस किसी अवस्था में बैठे हैं उससे परमेश्वर आपको एक ऊंचाई पे, एक विस्तार के अनुभव में ले जाने के लिए परमेश्वर की इच्छा है. Jesus want to lead you. Jesus want to walk with you if only you obey and submit. परमेश्वर की इच्छा इस प्रकार है, आपके साथ चलकर आपको अगुवाई से जीवन रीति से आपको आगे बढ़ाइए. And may the good Lord help you for that. परमेश्वर आपको उसके लिए सहायता करे. In Jesus name. यीशु के नाम से. Amen. Amen. ये भाई का नाम मोहन है. इनका जगह केरल में पुनलूर नाम के जगह में इनका घर है. इनका बीमारी ये था कि इनके जीवन में हाई डायबिटिक पेशेंट थे. शुगर 300 से अधिक था काउंट, और उसके साथ क्रिएटिन का लेवल 2 से ज़्यादा था. बहुत बीमारी के लिए उन्होंने कई हॉस्पिटल गए, बहुत दवाई लिया, लेकिन उनके जीवन में कोई चंगाई नहीं मिला. ये ब्रदर ये अवस्था में हमारे मिरेकल डे मीटिंग में 3 हफ्ते से आ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें अद्भुत रीति से चंगा किया. पिछले दिन जब जाके उन्होंने टेस्ट किया, इनका डायबिटिक लेवल नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, और थायराइड भी नॉर्मल है, अभी 0.7 है. परमेश्वर ने इन्हें अद्भुत रीति से चंगा किया. आमेन. Let us pray together. अभी हम साथ में प्रार्थना करेंगे. As we're going to pray now. अभी जब हम प्रार्थना करेंगे. That Jesus is going to heal many of you. यीशु आप में कई लोगों को अभी चंगाई देने वाला है. And right now we're going to pray for the people who are suffering with the kidney problem. अभी कई लोग जो किडनी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे. I am seeing so many children are praying for today for a healing in the अभी morning. अभी कई लोग जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. All those people, all those children who are suffering with the kidney problem and the issues related to that, now Jesus is healing them. किडनी प्रॉब्लम उससे जो कुछ भी संबंधित रोग है
आपके शरीर में है बीमारी है उसका परमेश्वर अभी चंगाई करने वाला है. We command every symptom of the sickness to leave the body. अभी हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं ये बीमारी की जो कुछ भी तकलीफ है शरीर में है अभी दूर हो जाए. People who are not getting enough sleep, proper sleep, we pray, we command the situation to change now. जिन लोगों के जीवन में ठीक से वो सो नहीं पा रहे हैं उनके जीवन में यीशु के नाम से चंगाई हम बोलते हैं. And people who are suffering with high blood sugar and related to such sicknesses right now, Jesus is healing you. जो लोगों के शरीर में हाई ब्लड शुगर है ऐसे लोगों को परमेश्वर अभी चंगा कर रहा है. In the name of Jesus be healed. यीशु के नाम में चंगाई पाइए. And all other sicknesses, we command those sickness to leave the body now. और भी जो कि बीमारी के साथ अभी प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम में अभी चंगे हो जाए. We speak healing to every physical body. सारे शरीरों में यीशु के नाम में हम चंगाई कहते हैं. In the mighty name of Jesus. यीशु के नाम में. Father, we also pray for the needs of your children. प्रभु इनके सामने जो कुछ भी जरूरत है सारे आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं. Someone is expecting a financial breakthrough. प्रभु कई लोग अभी आर्थिक रीति से एक छुटकारा चाह रहे हैं. And someone is waiting for a breakthrough in the job. एक नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. Someone is really struggling and physical challenges with the physical challenges. शरीर में बहुत ही तकलीफ अनुभव करते हुए कई लोग मुझे देख रहे हैं. And some of your children are facing family problems. कई लोगों के जीवन परिवार में वो तकलीफ महसूस कर रहे हैं. We speak healing and deliverance to all those children now. हर लोगों के जीवन में अभी हम चंगाई और छुटकारा कहते हैं. All those who are watching Miracle Day. जो कि अभी अद्भुत दिन प्रोग्राम देख रहे हैं. We speak healing and deliverance to all of your children. हर एक लोगों के जीवन में अभी छुटकारा और चंगाई हम बोलते हैं. Miracles started to happen everywhere. हर जगह में चमत्कार अभी होने पाए. And there'll be miracles in every way. हर जगह छुटकारा होने पाए. In the mighty name of Jesus. यीशु के ताकतवर नाम में. Oh, with Thank you for the miracles and signs and wonders are doing, dear Lord. हर जगह प्रभु जी आपने अद्भुत के काम कर दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं. And glorifying your name. आपके नाम महिमा पाने पाए. In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं. Amen. Amen. We believe that the Lord has done great miracles in your life. अभी हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने बहुत ही बड़े-बड़े चमत्कार काम कर दिया है. Now you can call upon our prayer lines. अभी जो नीचे दिख रहे प्रेयर लाइन में फोन कर सकते हैं. All our Miracle Day prayer warriors are ready to pray. मिरेकल डे में जो प्रार्थना करने वाले वॉरियर्स से आपके लिए आप वो अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं. Expect a miracle again. और भी आप अद्भुत काम और प्रतीक्षा कीजिए. Until we meet again. और मिलने तक. May the good Lord be with you all. परमेश्वर आपके साथ रहे. Amen. Amen. For more details, Miracle Day, PB number 124, Pathanamthitta 689645. Our email ID kmtitusministries@gmail.com. Miracle Day TV @gmail.com